के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बोल रहा होता हूं और सवाल है रफली दैन सुन्नत है या फर्ज? इस सवाल से ही जो खुशबू आ रही है ना वो मुझे पता चल गई है। ये मेरा YouTube के ऊपर एक क्लिप है रफल यदैन से फरार के बहाने, और एक और क्लिप है हनफी उलमा का अहल हदीस की अवाम को मारना पीटना, उसमें मैंने ये सारे जो इन्होंने आलू फिट किए हुए हैं ना, रफल यदैन सुन्नत है या फर्ज? हम कहते हैं सुन्नत है या फर्ज, तो बाद में हम आपसे पूछ हम जवाब देते हैं। पहले बताएं कि आप रफल यदैन क्यों करते हैं? उखाड़ के इसी तरह कर दे उनको, नहीं कर दे हो स्टार्ट इच एंज जाके शुरू करो, अल्लाह अकबर एंज शुरू करो, बाकी अलसी तो माफ कर देंगे ग्रांटेड। अगर आपको चिड़ दूसरे तीसरे चौथे के साथ है तो इसका मतलब है आपकी चिड़ कुछ और है, आपको तकलीफ रफली दैन से नहीं है, दूसरे तीसरे चौथे रफली दैन के साथ है। वरना आप कर रहे हैं ईद की नमाज में भी आप कर रहे हैं, वितरों में कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो घोड़ों की धुमे नहीं है। मसला 70B, रफल यदैन से मुतल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा। 8 झूठे बहाने इनके मैंने 2.5 घंटे के अंदर, 2 घंटा 20 मिनट में मैंने सब की सब चीजें कवर की हैं। जिसे शौक है तो वो देख ले, नमाज होती है नहीं होती, पिछली होती है कि नहीं होती है, अगली होती है। वैसे तो सबको पढ़ा रहे होते हैं वो जी भूल चुकते माफ है, तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि जो बगैर रफल यदैन के पढ़ी है वो माफ है या नहीं है? आप अपने आप को खुद बताएं ना, हमसे क्यों पूछना चाहते हैं ताकि आप हमें बाद में ये कहेंगे जी अगर हो गई तो हूं भी हो जाएंगी? ना, असी आलू फिट करांगे। हम ये कहेंगे कि जो बंदा जानबूझ के सुन्नत को छोड़ता है, जामिया तिर्मिजी में हदीस है नबी अलैहिस्सलाम ने 6 लोगों पर लानत फरमाई है, उनमें से एक शख्स वो भी है जो जानबूझ के मेरी सुन्नत को छोड़े। चलो एलो ले लो जवाब फिर साढ़े को। मिर्जा गुलामत कादियानी ने कहा